हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी बे वंस अगेन। और पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर आज थोड़ा लेट हो गया बॉस, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा थोड़ा काम था, फेस्टिवल था आज तो इस वजह से। लेकिन मेक श्योर लेक्चर्स लेट होंगी लेकिन छूटेंगे नहीं, हर एक दिन कवर करेंगे एक एक पॉइंट को। तो पॉलिनोमियल में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक बार और उस चीज़ को रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर टू, वेलकम यू ऑल। और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया यार, पाप पड़ने वाला है उनको, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पाप पड़ेगा उनको। तो इस वजह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो अगर वीडियो अच्छा लगे तो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं बॉस, पॉलिनोमियल लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 मान लो लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमने पॉलिनोमियल लिया तो हम यहाँ पे एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, इस पूरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम बचपन में ऐसा चीज़ें निकाल चुके हैं, क्या करते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करते थे, सच डेट उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो आए वो कितना आ जाए, 6 के बराबर आ जाए, और जो सम आए वो किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर। तो देखो कुछ हमने ऐसे किया, 3x प्लस 2x प्लस 6, ये हमने किया। अच्छा, ये करने का रीज़न क्या था कि देखो 3 + 2 करोगे, जब भी हम 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब 3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हमने फैक्टर्स करना स्टार्ट किया, कॉमन लेना स्टार्ट किया, ठीक है। कॉमन क्या था देखो, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, जिसमें क्या बचा, अगेन एक्स प्लस 3। ओवरऑल क्या बचेगा, एक्स प्लस 3, और एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 2। जहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास इस क्वेश्चन से, एक्स की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0। 0 क्यों, क्योंकि 0 हम निकाल, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल में अगर हमने -2 वैल्यू रखा एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और देखो, पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, ठीक है। हमने क्या किया, सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, -2 आया, और एक बार क्या आया, एक्स इज इक्वल टू -3 आया। रख के देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 और प्लस 6, ठीक है। -2 रखा गया, क्या हो गया यहाँ पे, 4, 5 × -2 क्या हो जाएगा, -10, और प्लस क्या हो जाएगा, 6। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह अगर -2 भी रखोगे तुम तो भी सेम वैल्यू आएगी, देख लेते हैं। -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -3 और प्लस 6, ठीक है। वैल्यू चेक करो, -3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, और -5 × -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस 6, 9 6 15, और -15 इज इक्वल टू 0। तो वो वैल्यू जिस पे पुट करने पे पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे आपका, ये क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक मिनट मैं थोड़ा सा ये एयरप्लेन मोड स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों, अगर डिग्री आपसे पूछा जाए तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी, डिग्री 2 होगी, इतना बस समझ में आ रही है। डिग्री 2 होगी तो जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना और ना हो तो ट्राई भी करते जाना, ठीक है। हम मान लेते हैं एक जनरल पॉलिनोमियल, जनरल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हमने, ठीक है। जनरल जनरल सेंस में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो जनरल सेंस में थोड़ा सा याद करो, उस समय कैसे डिनोट करते थे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट करते थे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसके दो जीरोज होंगे, और हम मान लेते हैं कि लेट द जीरोज आर, लेट द जीरोज बी
अल्फा एंड बीटा, हम मान लेते हैं ये जीरो है, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं, ठीक है। ये हमने माना लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, एक मिनट रुको, इसी पे काम करते हैं, एक्चुअली वहां पे मैं कुछ और समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्म पकड़ के चला। जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमने मान लिया, सपोज किया इसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे, ठीक है। ठीक है ना, अब देखो जरा एक बात ध्यान रखना, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 लिया था, इसमें हमने जीरोज क्या बोले थे, जीरोज एक्स इज इक्वल टू क्या था, -3 और एक्स इज इक्वल टू -2। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, इसके जस्ट पहले वाला स्टेप, एक मिनट इसको मैं सॉल्व कर लेने दो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, ठीक है, इसको सॉल्व किए, एक मिनट थोड़ा सा सब्र रखो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 आ गया बॉस, क्या लिए, x कॉमन लिए, x+3 आया, ठीक है, ये तो पता है, और 2x+3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, x+3 करते थे और x+2 करते थे, ठीक है, और उसके बाद तुम लिखते थे x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। देखो बॉस, हमारे पास यहाँ पे हमने जो माना इसके पहले में कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा होगा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है, ये मान के हमने चला। अच्छा बॉस, तो जब हम देखो, जब जीरोज -3 था तो x+3 लिख रहे थे, तो जब जीरोज अल्फा होगा तो क्या लिखोगे, इसकी जस्ट ऊपर वाले स्टेप में x-अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x-बीटा, ठीक है, यही होगा, एक्स माइनस अल्फा लिखा और एक्स माइनस बीटा लिखा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दे, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को, तो क्या ये तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर जीरोज अल्फा है और बीटा है तो ये हमारा फैक्टर जो मिल रहा है, जीरोज के जस्ट ऊपर वाला स्टेप क्या कहलाता है, फैक्टर, तो ये इसके फैक्टर है। तो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट कर दें हम, फैक्टर्स का अगर बहुत आराम से प्रोडक्ट कर दें तो तुरंत क्या हमको मिल सकता है, क्या पॉलिनोमियल जो हमारा मिल सकता है बॉस, ठीक है। तो हम वही काम करने वाले हैं, ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है, ले लिया होगा आई थिंक। चलो आते हैं अपने यहाँ, तो मालिक हमने ये कहा कि अगर x-अल्फा ले ले, ठीक है, अगर हम x-अल्फा ले और x-बीटा का प्रोडक्ट करें तो हमको ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जरा करते हैं, अगर इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लीकेशन, मीन्स ऐसे कुछ लिखोगे, ठीक है, और क्या लिखोगे, माइनस अल्फा लिखोगे, x-बीटा लिखोगे, यही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम करते हैं फिर से अगेन ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं, x-अल्फा और x-बीटा क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा आएगा क्या, देखो एक्स का एक्स से किया, फिर एक्स का बीटा से किया माइनस बीटा एक्स, अल्फा का बीटा से किया माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा का बीटा से किया, ये चीज़ आ गया, ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर एक ब्रैकेट में कॉमन ले लो, एक्स हो गया और प्लस अल्फा बीटा हो गया, ठीक है, ध्यान देना। हमारा जनरल फॉर्म क्या था भाई, हमारा जनरल फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसी के दो जीरोज माने थे अल्फा एंड बीटा, और तब जब उस जीरोज का हमने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आया, ये आया, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई ए करते हैं, डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि हम रिलेट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए, ए से हमने डिवाइड किया तो मतलब अपॉन ए कर दिया, तो ये आ गया। अब इस पॉलिनोमियल को हम इससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 इधर भी है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। एक्स का कोफिशियंट देखो, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और उधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है,
बी बाई ए। इसी तरह कांस्टेंट की जगह क्या हो रहा है, अल्फा बीटा की जगह क्या आ रहा है, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं कि मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस को उधर फेंक दो, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ये हमारा रिजल्ट मिला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। ठीक है, देखो इससे हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है तो हम उसके जीरोस निकाल सकते हैं, ये तो सत्य है, ये तो हमने 9th में भी किया है भाई। ठीक है, लेकिन अगर जीरोस दिया है तो हम उसके पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं, यहां से हमें ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर जीरोज, इफ, ठीक है, इफ जीरोज आर गिवन, इफ जीरोज आर गिवन, तो उसका जनरल फॉर्म, और जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा उसका पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी दिक्कत हो एक बार कॉपी में बैठ के एक बार लगा लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक, आई होप कि क्लियर होगी ये बात। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि तुमको एग्जाम्पल में ये लिखा है, ठीक है, कि फाइंड अ, एक मिनट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हुज जीरोज आर 3 एंड 2। ठीक है, तो हमने कहा ओ बाई गॉड, 3 एंड 2 उसके जीरोज हैं और फिर हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे बॉस, अल्फा को किसी को भी ले सकते हो, अल्फा बीटा तुम फ्री हो, या तो अल्फा को 3 ले लो या बीटा को 3 ले लो। ठीक है, अल्फा को हमने यहाँ पे 3 लिया और बीटा को क्या ले लिया, 2 ले लिया। जनरल फॉर्म क्या बताया गया था कि भैया एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो, एक्स लगा दो और प्लस सी लिख दो, मीन्स अल्फा बीटा लिख दो। ठीक है, तो यही करना है तुमको, बस तुम्हारा काम खल्लास, अल्फा बीटा देखो भरो इसमें, क्या भर दोगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 एक्स, और प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 6। ओवरऑल ये क्या बन के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, बस इतना ही। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न दिस फॉर्मेट, ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न दिस फॉर्मेट, ये बीटा है भाई। ठीक है, यही फॉर्मेट तुमको याद करना और तुम आराम से कर सकते हो सारा कुछ। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, तुम्हें भाई जीरोस दिया है, तुमको ये फॉर्मेट बस याद होना चाहिए, बस वैल्यू रखो। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट एंड पॉलिनोमियल, ये देखो इसमें क्या है, रिलेशनशिप क्या है कि हम, अब तुम्हें पता चल गया दो जीरोज हैं, तो दोनों जीरोज को हम एक तो सम ऑफ जीरोज के फॉर्मेट से जानते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो जीरोज का प्रोडक्ट, जो अल्फा बीटा हम लोग करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या होगा, अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ए बी सी क्या है, ए हमेशा जो है एक्स स्क्वायर से का जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो ए हो गया। ठीक है, प्लस बी जो है वो एक्स से जो मल्टीप्लाई करते हो वो हो गया, और प्लस सी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होगा वो ए होगा, एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा वो बी होगा, और बाकी जो भी बच गया है वो क्या होगा, सी होगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, बस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख के, ठीक है, तो एक पैटर्न समझ में आया यहाँ पे, क्या एक पैटर्न पैटर्न समझ में आया तुम्हें, पैटर्न क्या दिखाना मैं चाह रहा था कि भाई क्या होगा, पहले तुम्हें एक्स स्क्वायर लिख देना है,
माइनस लगाना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, एक्स लिखना है और फिर सी लिखना है, ठीक है। ये पैटर्न याद करके रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो रिलेशन ऑफ जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उसी से रिलेट करना है तुम्हें, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखो, क्योंकि सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगा, जैसे क्वाड्रेटिक होता था क्या होता, कैसा होता था, एक मिनट। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक होता था, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक होता था, याद है ना, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर 0, 2 1 0, पावर एक्स पावर 0, सॉरी एक्स पावर 1 और एक्स पावर 0, ऐसे होता था। हटाओ इसको, तुम कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। ये होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक होता था। क्यूबिक का सुनो, क्यूबिक का क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, चार टर्म आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक क्यूबिक वाला टर्म बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक है, अगर क्यूबिक है तो जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1 जीरो अल्फा है, 1 जीरो बीटा है और 1 जीरो गामा है। रिलेशन देखो, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर 3 जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया हो तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। पैटर्न देखा, पैटर्न मैं दिखाता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है बॉस। पहले क्या आया यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे प्लस आया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। पहले में तुम्हें क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होगा क्यूबिक फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से रिलेट करो, अगर इसी को रिलेट करना है तो फिर से देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा हो जाएगा दोस्तों सी बाई ए। बोरिंग है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। और अल्फा बीटा और गामा, अब भाई किसी को इम्प्रेस करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं आजकल मैथ से कौन ही इम्प्रेस होता है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का सी बाई ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे चलो, आगे देखते हैं रिलेशन ऑफ, ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, अभी तक कोई डाउट होगा तो उसको जरूर कमेंट करके पूछना, और अगर स्टडी बे ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो, यू आर मिसिंग आउट वेरियस काइंड ऑफ थिंग लाइक नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, तुम्हारी डेली रैंकिंग, तुम्हें पता चलेगी तुम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। अभी ये बिल्कुल फ्री है, लेटर ऑन वी विल चार्ज, क्योंकि हमें भी पैसे चाहिए यार, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जुड़ो, इससे तुम्हारा फायदा है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना यार, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस देखो। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, ठीक है। क्या बोला है कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, जिसका 3x² - kx + 6 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इसका सम ऑफ जीरोस क्या है, 3 है। मींस अगर हम माने कि अल्फा प्लस बीटा 0 है तो वो क्या दिया है, 3 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो तुम्हें पता है कि सम सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है भाई, एक्स से जो मल्टीप्लाई है वो है बी हमारा विथ साइन, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई है वो हमारा ए है, ठीक है। तो विथ साइन लेना है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस के अपॉन ए क्या है, 3,
ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। यहां से क्या पता चला कि के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देख लो एक बार, कोई डाउट, कोई दिक्कत दर्द परेशानी, किसी को भी किसी भी टाइप की दिक्कत दर्द परेशानी हो तो बता देना यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट में मैसेज कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए और बी जीरोज है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है तुम्हारा, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। अब तो क्लियर है, ठीक है, बी क्या होगा एक्स का कोफिशियंट, और ए क्या होगा वो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, अल्फा प्लस बीटा ये है। ठीक है बॉस, अगर हम इस और अल्फा बीटा की वैल्यू अगर देखें तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों को सॉल्व करके तुम भी निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, क्या निकालते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर लें कि इसका स्क्वायर कर लें, मींस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लें, तो उसको देखें क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ध्यान से देखा, ठीक है ना, इस 2 अल्फा बीटा वाले कंपोनेंट को हम थोड़ा से इधर ले आते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था ना, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रुको एक बार और अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या बोला है दोस्तों, भाइयों बहनों उनकी बहनों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, और इसके जीरोज हैं जो वो ए एंड बी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोज मतलब ए प्लस बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। हम ये देखें कि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम इस कंपोनेंट को क्या करें, इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे इसलिए हम लोग कर रहे हैं ये, क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी की वैल्यू पता है, क्या लिख देना है, देखो यहाँ पे देखो, ए प्लस बी की वैल्यू की जगह क्या रख देना है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बस रख देना है, और माइनस कर देना है 2 ab, 2 ab की जगह क्या रख देना है, सी बाई ए, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस की भी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इजी होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी होगा, ट्राई कर लो एक बार, मैं खुद स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ठीक है, बाकी तुम भी ले लो। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है, के स्क्वायर माइनस 14 x। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 14, ये देखो ये ऐसे कुछ दिया है, एक्स स्क्वायर पे क्या है वो हमको ध्यान देना है, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, माइनस 2 x है और प्लस माइनस क्या है, 12 है। ठीक है, बोला है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 1 लिखा है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मींस अगर कुछ भी है, अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं, तो वो किसके बराबर होंगे भाई, माइनस बी बाई ए, बी की जगह देखो क्या लिखा है, माइनस 2 लिखा है, एक्स का कोफिशियंट पकड़ना है, एक्स का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अपॉन ए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर से जो भी मल्टीप्लाई है वो पूरा ए है, तो हमारे पास पूरा ए क्या है, एक्स स्क्वायर से पूरा पूरा तो मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 14। क्या आंसर आया, 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 1 के बराबर, कर दो, क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14, इम्प्लाइज डेट 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
मीन्स के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस या फिर माइनस का 4। देख लो, प्लस 4 का भी स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और माइनस 4 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो रिपीट करके फिर से देख, ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे ये फायदा है। फिर बोला है इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट, ध्यान से सुनना, आईपीएल पे भी नजर नहीं करो, आईपीएल तुम्हारी फेवरेट टीम हार रही है। ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो ये तो इसमें का क्वेश्चन मैंने किया, क्या बोला है, दो जीरोज है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी रही है, -6, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रही है, 5। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। ठीक है बॉस, तो करते हैं क्या, हमने क्या लिखा था, अच्छा ये 6 अजीब बन गया, सॉरी, ठीक है 6। ठीक है, हमने क्या देखा था भैया, पॉलिनोमियल कुछ भी तो हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है, माइनस ए प्लस बी कर देंगे और एक्स लगा देंगे और प्लस सी लिख देंगे, मतलब ए बी लिख देंगे। ठीक है, जीरोज ए बी लिख देंगे इज इक्वल टू, बस डॉट लगा देंगे, पॉलिनोमियल डॉट लगा। ठीक है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह क्या लिख दो, -6 लिख दो। भाई ए और बी की वैल्यू नहीं दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू दिया है, तो ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, -6, और ए बी की जगह क्या लिख देंगे, प्लस का 5। हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है अभी, और बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, चलो कोई नहीं, थकना नहीं है हम लोग को। ठीक है, ये है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर -4 है -5, ये भी आसान है। जीरोज क्या दिया, अल्फा दिया है तुम्हारा, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया, -4, और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया, -5। रख लेना वैल्यू में, किस में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, करके इसका आंसर रखना। ठीक है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये तुम अपने मन से करो। आगे बढ़ो, फाइंड द कंडीशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच ए एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है यार, ठीक है ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया, ये स्क्वायर है, हो जाती है गलतियाँ, बड़े लोग से ही गलतियाँ होती हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, अभी तुम पक जाओगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अच्छा, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर 3, अच्छा यहाँ पे देखो, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, 3+√2 दिया है, और बीटा क्या दिया है, 3-√2 दिया है, आराम से हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, 3+√2 और 3-√2 मीन्स 6 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 3² -√2 का होल स्क्वायर। कैसे कैसे ये आपने लिख दिया सर, तो भैया देखो, 3+√2 और 3-√2 करोगे अल्फा बीटा में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पता है तुमको, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में पुट कर देना है, कहानी खत्म। ठीक है, आसान है। इसके बाद ये देखो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हु जीरोज आर ये, ठीक है भाई, सम ऑफ जीरोज दिया है कितना, मीन्स अल्फा अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया है, √3 के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर दिया है, 1/√3, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करके और असाइनमेंट फॉर्म में ऐप पे भेज देना। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये तो आसान है। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, 0 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, -√2 दिया है। रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा करना है बस, देखो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0 दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 का √2। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा, एक्स स्क्वायर -√2। ठीक है, बस। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये कर लेना यार, ये आसान होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। ठीक है, ध्यान देना इसको, क्या है, इसका जीरोज निकालना है, √3x²-8x+4√3, क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 को दो पार्ट ऐसा स्प्लिट करो कि सम क्या है, सम क्या है, 8 आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए, 8 को ऐसे डिवाइड करो जिसमें सम क्या आ जाए, इतना आ जाए 8, और प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो कैसे करेंगे भाई, मामला तो गंभीर है भाई, कैसे करेंगे कि सम भी 8 आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए,
तो इसको एक बार ट्राई करना खुद से, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे है आसान ये, बहुत बहुत सीरियसली बहुत आसान, ठीक है। ट्राई करोगे आ जाएगा तुरंत, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना, ये 9th का ही क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे यार तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे स्टडी बे ऐप पे मिल सकते हो। स्टडी बे ऐप पे मैं हूँ चैट सेशन में, या फिर यूट्यूब पे अगर हो तो कमेंट कर दो। और अभी तक अगर लाइक नहीं शेयर कमेंट किया है तो कर दो यार, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो गुड डे।